सूरज परेशान हो गया क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ है बहुत मेजर जो सब नहीं बता सकते हम आपको, बट हाँ सब नहीं बता सकते, उसके लिए आना अलग से कवर करने पर हम ऐसे कुछ हुआ होता है जिससे सूरज थोड़ा सा मेंटली परेशान हो जाता है कि नहीं अब ये तो हाइट सी हो गई, तो वो कहता है कि नहीं करना ये सब, चुपचाप अपना सामान बांधो चलो यहाँ से, हम अपने आप को सेफ कर देते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली और अपने लोगों को सेफ करने के स्टेट ऑफ माइंड में है। हाँ ये जो इन्होंने बोला बिल्कुल शत प्रतिशत सही है, ऐसा ही है सूरज का माइंडसेट, और इसलिए वो परिवार को आगे रख रहा है, लेकिन फिर इसने उसके दिमाग में डाल दिए हैं बीज देशभक्ति के जो थोड़े सड़ गए थे, अब वापस नए बीज डाल दिए हैं जो अब अच्छे से फूटेंगे। हाँ उसके अंदर ये मैडम जो है इन्हें आई लव यू बोलता है सूरज चकोर को, लेकिन चकोर जो कि पहले देख चुकी है सूरज को नैना को आई लव यू बोलते हुए, वही याद आ रहा है और वो इमेजिन करती है कि नैना और सूरज गले मिल रहे हैं, तो ये डे ड्रीमिंग कर रही है, इनसे पूछिए क्या है। बस वही देखा मैंने कि नैना ने सूरज को आई लव यू टू बोला और हग किया, और फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ कि हाय हाय, और मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं वैसे ही परेशान हूँ, और सूरज मुझसे पूछ पूछ के थक जाता है कि क्यों परेशान हूँ, पर मैं नहीं बताती हूँ, फिर सूरज चला जाता है थोड़ा सा ड्रामा करके। तो लास्टली सूरज के साथ आप घर छोड़ के चले जाएंगे या फिर उसे रोकने में? हाँ अभी मैंने देशभक्ति के बीज बोए हैं, हम उसका पेड़ उगाएंगे। ये हवेली जो है हमारी करोड़ों की है, इसको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए हम यहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत नाटक करके मैं यहीं आ जाएंगे, सेट हमारा यही है। ओके थैंक यू। तुम हमें देख भी नहीं रही थी। इधर बीबी हम तुम्हें आई लव यू बोल रहे हैं और तुम जवाब भी नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है, इस गलती की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, देखो तुम। हेलो अभय सर, यही ढूंढिए कह रहे हैं। हेलो अभय सर, हम चाहते हैं कि आज चकोर, हेलो अभय सर, हम चाहते हैं कि चकोर आज के प्लान से दूर रहे। जी हाँ, वो थोड़ी उलझी हुई सी है, हमें लगता है उसे थोड़ी आराम की जरूरत है,
इसलिए आज वो काम में मन नहीं लगा पाएगी। हाँ तो उन्हें आराम करने दीजिए, शायद चक्कर ने आपको नहीं बताया क्यों? हमें बता चुकी है, वो खुद आज के ऑपरेशन से दूर रहना चाहती है। और ले ताली क्यों? क्या ठीक है लाइट पकड़ कर क्या परेशानी है तुम्हें? कर्नल से मिलना हमारे मिशन का सबसे अहम हिस्सा है, आज वो मिलने वाला है और आज ही तुम्हें नहीं जाना है। क्यों? क्या छुपा रही हो हमसे? ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, तुम्हारे झूठ में तुम्हारे होठों का साथ नहीं दे रही। बताओ मैं। अच्छा नहीं बताना और आना भी नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें तो पता ही है वहां पर हमारी जान पर कितना खतरा होगा, पर तुम्हें उससे क्या, हम मर जाए कट जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता। तुम अपना और सांगी का ख्याल रखना, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। I love you. Sure. तुम्हारे शब्दों के जाल में नहीं फंसेंगे हम। शुक्र आश, हम जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तुम चाहती हो कि हम अपने परिवार को खतरे में डाल के अपना पर्स निभाए, अपने शब्दों में जाल। चूंकि कर्नल से खतरा सिर्फ हमें नहीं पूरे देश को। अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कर रही हो तुम। तुम चाहती हो कि अपने परिवार को खतरे में डाल के अपना पर्स निभाए, तुम्हारे शब्दों के जाल में नहीं फंसने वाले हम। जाल नहीं तो और क्या है, तुम्हारी वजह से हम इस मिशन के लिए तैयार हो गए, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज जो हमने किया उसके लिए तैयार नहीं है। हमारे हाथों तुम्हारी जान जाने वाली थी, तुम्हें गोली लगने वाली थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हम? हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होते हुए देख सकते, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। चलो तुम हमारे साथ। गोली लगी तो नहीं? जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना, नैना के साथ। गोली लगी तो नहीं?
लेकिन नैना के साथ जो हमारी शादी होगी ना, वो तुम्हें गोली से भी ज्यादा जोर से लगेगी, उससे भी ज्यादा दर्द होगा, वो हम नहीं देख सकते। नैना के साथ जो हमारी शादी होगी ना, वो तुम्हें गोली से भी ज्यादा जोर से लगेगी, उससे भी ज्यादा दर्द होगा, और हम तुम्हें दर्द में नहीं देख सकते। कह दो कि ऐसा नहीं, तुम करना बंद करो चपो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नैना की जितना करीब हम जा रहे हैं उतना ही तुम हमसे दूर जा रहे। अगर हमारी नैना से शादी हो गई परिस्थिति में समझने की कोशिश कर, ऐसी परिस्थिति नहीं आने देंगे। तुम्हारे मिशन की सफलता के लिए नैना से तुम्हारी शादी होना जरूरी नहीं है। मतलब आज हमें ये तो पता चल गया कि तुमने अपने घर में वो सिल्वर बात कहा रखी है, और शादी होने तक हम उस बैग को हासिल भी कर लेंगे। सूरज देखो, नैना तुम्हें की बहन की बेटी, उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेगा, बहुत सी रस्में होंगी, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से फंक्शन होंगे, और ऐसे में हमें मौका मिलेगा कर्नल के घर में घुस कर उस बैग को चुराने का। वो बैग जिसमें कर्नल का सारा काला चिट्ठा जमा है, कच्चा चिट्ठा, रेडी काली रातों का कच्चा चिट्ठा, काली काली कर्नल के सारे काली रातों का कच्चा चिट्ठा, रेडी क्या जवाब दूँ?